गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। WWW टर्मिनोलॉजी। पहले हम यहाँ पर कुछ इंटरनेट पर यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है वेब सर्वर। और वेब सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर वेयर द एचटीएमएल पेजेस एंड अदर रिसोर्सेज आर स्टोर्ड। वेब सर्वर होता है एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जहाँ पर एचटीएमएल पेजेस या फिर अदर रिसोर्सेज स्टोर किए जाते हैं। इट इज़ ऑलवेज एक्टिव एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और ये हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहता है और एक्टिव रहता है। इट रन्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू सेंड आउट एचटीएमएल पेजेस एंड अदर फाइल फॉर्मेट्स। और ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को रन करता है जिनको हमने एचटीएमएल पेजेस या फिर अदर फाइल फॉर्मेट्स को सेंड करने के लिए डिज़ाइन किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है। अ सर्वर कंप्यूटर इज़ एक्चुअली मच फास्टर देन द कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। और जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं वो जो कॉमन कंप्यूटर्स होते हैं उनसे फास्ट स्पीड वाले होते हैं। द सर्वर मैनेजेज एंड प्रोसेसेज द रिक्वेस्ट ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स और कंपोनेंट्स। जो सर्वर होता है वो एक बार में कई सारे मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है, उन पर प्रोसेस कर सकता है। वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट इज द यूजर साइड ऑफ द वेब। वेब क्लाइंट होता है वो यूजर साइड ऑफ द वेब होता है। इट रेफर्स टू द वेब ब्राउजर इन द यूजर्स मशीन। और ये वेब ब्राउजर को रेफर करता है जो यूज़र की मशीन में होती है। इट मे ऑल्सो रेफर टू द एंटायर यूजर्स मशीन। और ये पूरे कंप्यूटर जो यूज़र कंप्यूटर होता है उसको भी रेफर करता है, उसे भी हम वेब क्लाइंट ही बोलते हैं। क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स आर यूजुअली कंप्यूटर एप्लीकेशंस रनिंग ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। और जो क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं जो यूज़र के कंप्यूटर पर रन होते हैं एंड आर कनेक्टेड टू द सर्वर, और जो सर्वर से कनेक्ट होते हैं। दीज कंपोनेंट्स परफॉर्म्स क्लाइंट साइड ऑपरेशंस। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्लाइंट साइड ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, सच एज एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, WWW पर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक यूज़र इनपुट, वैलिडेटिंग इनपुट डाटा एक्सेट्रा। इसके बाद है नेक्स्ट वेबसाइट। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। वेब पेजेस का कलेक्शन को हम वेबसाइट बोलते हैं। ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL। और हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट्स आर हाउस्ड ऑन वेब सर्वर। जो वेबसाइट होती हैं वो वेब सर्वर पर स्टोर होती हैं। इंटरनेट होस्ट कंप्यूटर्स आर डेट ऑफन कॉल्ड स्टोर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल वेब पेजेस। और जो इंटरनेट के होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं जिसे हम सर्वर बोलते हैं उनमें ये वेब पेजेस स्टोर किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग वेबसाइट्स ऑन अ वेब सर्वर इज कॉल्ड होस्टिंग। वेबसाइट्स को वेब सर्वर पर स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम होस्टिंग बोलते हैं। दीज कैन बी एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट। और इन्हें हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे वेब सर्वर, URL, होम पेज, यूजर फ्रेंडली एंड ऑनलाइन डाटा बेस। नाउ वेब पेजेस। अ वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज यूजली रिटन इन HTML डिपेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स। जो वेब पेज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है जिसे हम HTML में डिज़ाइन करते हैं, HTML के थ्रू बनाते हैं। और ये हमें कुछ इंफॉर्मेशंस को, उन टॉपिक्स के इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। इट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक्स। ये इमेज को कंटेन किए हुए होता है, टेक्स्ट कंटेन किए हुए होता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं इसमें या फिर कोई अदर हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। द WWW consists of a large collection of such hyperlinked web pages। और WWW पर इस ऐसे वेब पेजेस का काफ़ी लार्ज कलेक्शन है, हाइपरलिंक्ड पे वेब पेजेस का लार्ज कलेक्शन होता है। ईच वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस नोन एज URL। और हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL बोलते हैं। वेब पेजेस टू टाइप्स के होते हैं,
स्टैटिक वेब पेज एंड डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज में एक डिफरेंस दिया हुआ है। स्टैटिक वेब पेज रिमेंस सेम फॉर ऑल द यूजर्स। जो स्टैटिक वेब पेज होते हैं वो सभी यूजर्स के लिए सेम होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एचटीएमएल टैग्स, और ये कुछ एचटीएमएल स्टैंडर्ड एचटीएमएल टैग्स का यूज़ करके डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है डायनामिक वेब पेज, वेब पेज इज एडिटेड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट। और डायनामिक वेब पेज को हम यूजर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इट यूजेस अदर हाइपर अदर लैंग्वेजेस लाइक PHP, JSP और ASP अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड HTML टैग्स। और जो डायनामिक वेब पेजेस होते हैं उनमें हम HTML के स्टैंडर्ड HTML टैग्स के अलावा कुछ अदर लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, जैसे PHP, JSP और ASP। नाउ वेब ब्राउजर। A web browser is a software application which enables a user to display and interact with text, images, sound and other information located on the web page on the web server. A web browser होता है वो एक software application होता है जिसकी help से हम किसी भी web page में information को देख सकते हैं, text, image, sound, other application, other information जो web server पर store होती हैं उनको हम देख सकते हैं, उनसे interact कर सकते हैं। There are many popular web browsers in use today, like Internet Explorer, Mozilla Firefox and Google Chrome. आज के टाइम में काफ़ी सारे पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. Types of web browser. Two types के वेब ब्राउजर होते हैं, graphical web browser, text only web browser. ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या होता है? डिस्प्लेस टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड एंड हाइपरलिंक्स डेट कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग ऑन देम। जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स होते हैं उनको वो हमें टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, हाइपरलिंक्स डिस्प्ले करते हैं, जिसका यूज़ हम जिसको हम सिर्फ उन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है टेक्स्ट ओनली ब्राउजर, ये इमेजेस और साउंड को सपोर्ट नहीं करता है, ये प्योरली टेक्स्ट बेस्ड होता है, इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट को ही देख सकते हैं, इसमें इमेज, साउंड, हाइपरलिंक्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है वेब एड्रेस URL। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज एन एड्रेस यू कैन टाइप इन वेब ब्राउजर टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रिसोर्स। जो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो एक एड्रेस होता है जिसको हम वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। मोस्टली URLs आर वेब एड्रेसेस, ज़्यादातर URLs जो होते हैं वो वेब एड्रेसेस होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ URLs मे बी यूज्ड इन वेब ब्राउजर फॉर एक्सेसिंग न्यूज़ ग्रुप, लोकल फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर एंड अदर रिसोर्सेज। इसके अलावा जो दूसरे अदर टाइप के URLs होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं न्यूज़ ग्रुप को एक्सेस करने के लिए, या फिर अपने कंप्यूटर्स की फाइल को, लोकल फाइल्स को यूज़ करने के लिए, या फिर अदर सोर्सेज को यूज़ करने के लिए। अ URL इज़ मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। URLs कई सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है। ईच पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम दोज डेट फॉलो इट बाय सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। और हर एक पार्ट जो URL का होता है वो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से सेपरेट किया जाता है, मतलब दोनों जो भी पार्ट्स होते हैं टू पार्ट्स के बीच में हम सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। Every URL begins with the scheme name that defines its purpose. और जो URL होता है वो हमेशा स्कीम नेम से स्टार्ट होता है जो पर्पस को बताता है। And the remaining part of the URL is method to access the resources. और जो दूसरा remaining part होते हैं वो किस तरीके से हमें URL को access करना है या फिर resource को हमें use करना है, access करना है, वो हमें बताता है, वो एक तरीका बताता है। इसे एलिमेंट ऑफ अ URL, यहाँ पहले हम कुछ एलिमेंट देख लेते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं URL के। सबसे पहले है सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से URL को लिखा जाता है। सबसे पहले सर्वर और स्कीम टाइप, कॉलन, दो टू फॉरवर्ड स्लैश, डोमेन नेम डॉट डोमेन एक्सटेंशन, होस्ट बोलते हैं, स्लैश पाथ, फॉर एग्जाम्पल HTTP कॉलन टू फॉरवर्ड स्लैश www.games.com
स्लैश गेम्स स्लैश वर्गर शॉप स्लैश प्ले नाउ डॉट एच टी एम एल। नेम ऑफ इंटरनेट सर्वर और स्कीम, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इट रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ सर्वर एंड द प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट, ये सर्वर के टाइप को या फिर इंटरनेट के प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन यू आर एक्सेसिंग द वेब पेज द डिफॉल्ट सर्वर इज HTTP। जब भी आप किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो उसका डिफॉल्ट सर्वर जो होता है वो HTTP होता है, मतलब स्कीम नेम HTTP ही होता है। कुछ स्कीम नेम्स के नीचे नेम दिए हुए हैं, HTTP, FTP, फाइल, गॉफर, न्यूज़, मेल टू, टेलनेट, पेस। द फर्स्ट URL वॉज क्रिएटेड बाई टीम वर्नर्सली फॉर यूज ऑन द www। जो फर्स्ट URL बनाया गया था वो टीम बर्नर्ली ने डिज़ाइन किया था, बनाया था www पर यूज़ करने के लिए। नेम ऑफ द होस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ डोमेन नेम दैट इज नेम गिवन टू द वेबसाइट एंड द लास्ट थ्री कैरेक्टर्स स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द एग्जाम्पल www.games.com, www means host, games means second level domain, com means top level domain। जो सेकेंड पार्ट होता है वो एक डोमेन नेम होता है, इसमें किसी भी वेबसाइट का नेम हो सकता है, और लास्ट में थ्री कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर www.games.com, यहाँ www होस्ट है, गेम्स जो है वो सेकंड लेवल डोमेन है, और कॉम जो है वो टॉप लेवल डोमेन है। थर्ड पार्ट होता है पाथ, इट डिनोट्स द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द फाइल इन वेबसाइट। जो पाथ होता है वो हमें फाइल की एक्चुअल लोकेशन के बारे में बताता है कि फाइल वेबसाइट पर किस लोकेशन में स्टोर की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया था उसी एग्जाम्पल को हम फिर से ले लेते हैं। यहाँ पर HTTP www.games.com games burger shop play now.html। इसमें अगर हम पाथ को देखेंगे तो पाथ हमारा क्या है, गेम्स स्लैश वर्गर शॉप स्लैश, ये पाथ है जो प्ले नाउ डॉट एच टी एम एल फाइल को स्टोर किया हुआ है। मतलब इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए हम प्ले नाउ डॉट एच टी एम एल फाइल तक पहुंच सकते हैं। सो क्लास, थैंक यू। इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। Have a nice day to all of you.